गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टार्ट रिविजन फॉर पीटी वन, आवर सिलेबस चैप्टर 4, 6 एंड 7. सो लेट बी स्टार्ट चैप्टर 4. चैप्टर 4, ओपन योर बुक पेज नंबर 31. सो वी विल डिस्कस अगेन बैक एक्सरसाइज. सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स. सो एनिमल नीड फूड टू लाइव, यानी एनिमल्स को नीड होती है लाइव जिंदा रहने के लिए काहे की फूड की. सो एंड वाइल्ड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू सर्च फूड एंड वाटर. और फूड और वाटर की सर्चिंग में, यानी फूड और वाटर की खोज में वाइल्ड एनिमल जो है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता है. सो वाइल्ड एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग फूड एंड वाटर. देन नेक्स्ट ऑल कार्निवोरस हैव शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड टीथ. यानी जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स मीन्स एनिमल दैट ईट फ्लैश. सो कार्निवोरस एनिमल्स हैव शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. एंड नेक्स्ट स्नेक एंड फ्रॉग स्वेलो देयर फूड होल. स्नेक और फ्रॉग जो है वो अपना फूड जो है वो स्वेलो देयर फूड होल, यानी पूरा फूड जो है वो सीधा निगल लेते हैं. स्वेलो मीन्स निगलना. व्हेन द एनिमल फॉल सिक वी शुड टेक देम टू वेटरनरी डॉक्टर. यानी जब कोई हमारा एनिमल, कोई भी एनिमल जब सीक हो जाता है, यानी बीमार हो जाता है, तो उसको किसके पास ले जाया जाता है? वेटरनरी डॉक्टर को. वेटरनरी डॉक्टर आर वट डू मीन बाय वेटरनरी डॉक्टर? वेटरनरी डॉक्टर से क्या समझते हैं? जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर कहा जाता है. देन नेक्स्ट समिंग अप में भी देख लीजिए. ऑल नीड फूड टू लाइव, टू गेट एनर्जी, टू वर्क, टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. यानी हर एनिमल्स को जरूरत होती है फूड की काहे के लिए? टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड टू ग्रो, यानी बढ़ने के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. एनिमल्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. व्हाट इज द हर्बीवोरस? हर्बीवोरस क्या होता है? एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. वो एनिमल जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोलते हैं. एंड वट इज कार्निवोरस? कार्निवोरस क्या है? एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. यानी जो दूसरे एनिमल्स के केवल फ्लैश, यानी दूसरे एनिमल का केवल मांस खाते हैं उसको कार्निवोरस बोलते हैं. ओमनीवोरस एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. यानी वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स का फ्लैश को भी खाते हैं. यानी अगर उनको फ्लैश नहीं मिले तो वो प्लांट से भी अपना काम चला लेते हैं. उन एनिमल्स को ओमनीवोरस कहा जाता है. एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. हर एनिमल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती है. एंड प्लांटिंग ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड. नेक्स्ट पेज निकालिए, ओपन पेज नंबर 32. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज प्लांट ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड. जो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स ईटिंग करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको हर्बीवोरस कहा जाता है. सेकेंड है एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड. जो एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, दोनों को ईट करते हैं, उनको ओमनीवोरस कहा जाता है. देन नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड ओमनीवोरस एनिमल. एक वाइल्ड ओमनीवोरस एनिमल का एग्जाम्पल दीजिए. इसमें ऑप्शन है बियर, वॉल्फ, डियर एंड जिराफ. सो करेक्ट ऑप्शन इज बियर. बियर इज करेक्ट ऑप्शन. एंड नेक्स्ट है ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड. यानी कोई भी एनिमल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड होता है फूड के लिए प्लांट्स पे. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. आई एम अ ग्रे ब्लैक बर्ड. यानी मैं ग्रे ब्लैक बर्ड हूँ, मेरा कलर ग्रे या ब्लैक है. आई ईट एवरीथिंग. मैं सब कुछ चीज़ खा लेता हूँ. आई फाइंड आई लिव नियर यू. यानी मैं जहाँ आप रहते हैं आपके आसपास रहता हूँ. सो हु एम आई? तो मैं क्या हूँ? सो आई एम अ क्रो. यानी मैं क्रो हूँ.
नेक्स्ट है आई गिव मिल्क, यानी मैं दूध देती हूँ. आई एम ए हार्बिवोरस, मैं हार्बिवोरस हूँ यानी मैं प्लांट्स खाती हूँ. एंड आई एम अ ब्लैक इन कलर, और मेरा ब्लैक कलर है. एंड विथ बिग हॉर्न, और बड़े सींग हैं. सो हु एम आई, तो मैं क्या हूँ? सो आई एम अ बफेलो. एंड नेक्स्ट आई हैव अ स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट, यानी मेरी स्टिकी टंग होती है इंसेक्ट को कैच करने के लिए. और आई लिव इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घरों में रहती हूँ. सो हु एम आई? आई एम अ लिजर्ड, मैं छिपकली हूँ, लिजर्ड. आई अचीव द कड, यानी मैं कडिंग को अचीव करती हूँ. एंड आई कड मीन्स हाफ च्यूड फूड. एंड आई आल्सो गिव यू मिल्क, और मैं दूध भी देती हूँ. सो हु एम आई? आई एम अ काउ. आई ईट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स, यानी मैं एनिमल्स का फ्लेश खाती हूँ, यानी एनिमल्स का मांस को खाता हूँ. आई हैव येल्लो स्ट्रिप ऑन माई बॉडी, यानी मेरी बॉडी पर येल्लो स्ट्रिप्स है. सो हु एम आई? आई एम अ टाइगर. एंड आई हैव शार्प बिग फ्रंट टीथ, मेरे शार्प बिग फ्रंट टीथ हैं. आई हैव स्ट्रिप ऑन माई बैक, और मेरे बैक पे स्ट्रिप्स है. सो हु एम आई? आई एम अ जिराफ. एंड मेज द कॉलम देखिए, फर्स्ट बिग एंड शार्प, ये मेज द कॉलम रीड कर लेना आप. ओके. एंड ब्रीफ क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा आप. नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए. नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स्थ, आवर बॉडी. सो पेज नंबर 50 पे ट्रू फॉल्स के लिए निकालिए. द स्केल्टन प्रोटेक्ट द सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी, यानी स्केल्टन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट्स को, यानी नाजुक पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड है द बोन्स ऑफ रिपकेज आर स्ट्रेट, यानी हमारी रिपकेज की जो बोन्स है वो स्ट्रेट है या सीधी है? नहीं, ऐसी कर्व्ड है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड है मसल्स कैन नॉट हेल्प बोन्स टू मूव, यानी जो मसल्स है वो बोन्स को मूव करने में हेल्प नहीं करती है? नहीं करती है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो फॉल्स. एंड लास्ट, आवर बॉडी ब्रेक डाउन द एंड द फूड वी ईट इन टू सिंपल सब्सटेंस, यानी हमारी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट है पेज नंबर 52, द नोज विंड पाइप एंड द लंग्स मेक अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये ऑर्गन्स होते हैं. ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ ब्लड एंड बैक टू द हार्ट. एंड नेक्स्ट, देर आर फाइव सेंस ऑर्गन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन? देर आर फाइव सेंस ऑर्गन, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन. एंड द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कौन कौन सा बनाता है? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स. द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प अस टू गेट रीड द वेस्ट मटेरियल सच एज स्वीट एंड यूरिन. स्वीट और यूरिन जो है वो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है. एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. एन ऑर्गन इज अ बॉडी पार्ट विच डज अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है वो हमारा स्पेशल फंक्शन करता है. सेकेंड है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गन सिस्टम. थर्ड, अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर मीट, यानी जहाँ दो बोन्स मिलती है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उस बोन प्लेस को जॉइंट कहा जाता है. मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू, मसल्स हमारी बॉडी में क्या हेल्प करती है? फॉर मूवमेंट में हेल्प करती है. डाइजेशन स्टार्ट इन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हम माउथ में फूड रखते हैं, यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है. सो डाइजेशन स्टार्ट इन आवर इन द माउथ. एंड नेक्स्ट है इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है? सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड द ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड लास्ट, स्किन इज द वन ऑफ सेंस ऑर्गन. स्किन हमारी सेंस ऑर्गन का एक पार्ट है. आइडेंटिफाई एंड फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को. सेकेंड है स्ट्रेची फ्लैश बैंड दैट कवर द बोन्स, यानी स्ट्रेची फ्लैश बैंड जो कि बोन्स को कवर्ड करके रखता है वो क्या है? मसल्स है, जो कि किस में हेल्प करती है? फॉर मूवमेंट में हेल्प करती है, टू हेल्प देम टू मूव. सो मसल्स हेल्प देम टू मूव. एंड ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी
फूड का जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन। द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर एनस, एन ए डाइजेशन लास्ट स्टेप में कहाँ जाता है, एनस में होता है। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, एन ए किस सिस्टम के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन द बाय नर्व्स एंड इट पम्प ब्लड्स, ब्लड पम्प कौन करता है, हार्ट करता है। दिस सिस्टम हेल्प अस टू सी हियर थिंक एंड फील एंड रिएक्ट बाय नर्वस सिस्टम। ओके एंड ब्रीफ क्वेश्चन डू बाय योर सेल्फ एंड नेक्स्ट है हाउसिंग एंड प्रोटेक्टिंग। सो टेक आउट चैप्टर सेवन, सिक्स भी हो गया हमारा चैप्टर सेवन। चैप्टर सेवन फर्स्ट टेक आउट ओपन पेज नंबर 61। फर्स्ट मेज द कॉलम हाउस का, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। हाउस किससे प्रोटेक्ट करता है हमको, हीट कोल्ड एंड रेन से। एंड सेकेंड है स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस बिल्ट ऑन वुडन पोस्ट, वुडन पोस्ट पे बना होता है। थर्ड है क्लॉथ, क्लॉथ किससे बना होता है, क्लॉथ मेड फ्रॉम फाइबर। एंड नेक्स्ट है नायलोन, नायलोन मेड, नायलोन आर ह्यूमन मेड फाइबर। नायलोन जो है ह्यूमन मेड फाइबर है, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज हाउस आर बिल्ट ऑन वुडन पोस्ट, स्टिल्ट हाउस आर बिल्ड ऑन वुडन पोस्ट, यानी कैसे हाउस वुडन पोस्ट पे बने होते हैं, स्टिल्ट हाउस। सेकेंड है इज अ फाइबर वी गेट फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कौन सा फाइबर मिलता है, वूल। देन नेक्स्ट एन एनिमल वी कैन गेट वूल फाइबर फ्रॉम, यानी वूल फाइबर किससे मिलता है, अंगो कश्मीरी गोट से। एंड नेक्स्ट है इज अ ह्यूमन मेड फाइबर, ह्यूमन मेड फाइबर कौन सा है, पॉलिस्टर इज अ ह्यूमन मेड फाइबर। देन नेक्स्ट फिलप्स अ हाउस कैन बी डैमेज इन अ स्टॉर्म, यानी कौन सा हाउस स्टॉर्म यानी तूफान में डैमेज यानी टूटने टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। सो कच्चा हाउस कैन बी डैमेज इन अ स्टॉर्म, कच्चा हाउस जो है वो स्टॉर्म में डैमेज हो सकता है। देन नेक्स्ट पक्का हाउस आर मेड फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट, पक्का हाउस जो है वो ब्रिक और सीमेंट से बना होता है। थर्ड है स्टिल्ट हाउस आर मेड वेयर इट रेन अ लॉट, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेरी हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। अ गुड हाउस शुड हैव थिक वॉल, एक अच्छे घर की एक अच्छे घर की खासियत क्या है कि उसकी जो वॉल है वो थिक होती है, थिक होनी चाहिए। वी शुड कीप द ड्रेन्स ऑफ अ किचन एंड बाथरूम कवर्ड द कीप मॉस्किटो अवे, यानी हमें अपने किचन का और बाथरूम का ड्रेन्स जो है यानी नाली का सिस्टम वो कवर्ड करके रखना चाहिए ताकि वहाँ पर मॉस्किटो ग्रो नहीं कर सके। एंड नेक्स्ट है नायलोन रेयन एंड पॉलिस्टर, सॉरी नायलोन रेयन पॉलिस्टर एंड टेरी कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड फाइबर। एंड ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वी शुड हैव वेरी स्मॉल विंडो इन आवर हाउस, यानी वी शुड हैव वेरी स्मॉल विंडो इन आवर हाउस, यानी हमारे घरों में छोटी छोटी विंडोज होनी चाहिए क्या, नहीं, हमारे घरों में वी शुड हैव बिग विंडो इन आवर हाउस फॉर एयरी आवर हाउस, क्योंकि हमारे घर को हवादार बना सके इसलिए बड़ी बड़ी विंडोज होनी चाहिए। सेकेंड है ड्रेन्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड बी लेफ्ट ओपन, यानी बाथरूम और किचन का जो ड्रेन सिस्टम है यानी नाली का जो सिस्टम है वो ओपन रहना चाहिए कि नहीं, वहाँ अगर ओपन रहा तो वहाँ पर मॉस्किटो ग्रो करेंगे, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड वी गेट नायलॉन फ्रॉम प्लांट, नायलॉन प्लांट से मिलता है, नो, नायलॉन गेट फ्रॉम फैक्ट्रीज, नायलॉन फैक्ट्रीज में मिलता, फैक्ट्रीज से मिलता है, और नायलॉन मेड बाय ह्यूमन बींग्स। एंड वी गेट वूलन फाइबर फ्रॉम शिप, हमको वूलन फाइबर जो है वो शिप से मिलता है, यस। एंड वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म, सिल्क हमको सिल्कवॉर्म से मिलता है, यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके सो ऑल बैक एक्सरसाइज 1 word answer, hmm.
Brief answer. And word bank. All learn it, okay? And best of luck for PT1. Thank you and have a nice day.